इंतहा नहीं परेशान हो जाते हैं हम, हाथ में भागता है, चिल्लाते भी हैं, मौत भी मांगते हैं, इनका भी अपना कि हमें अल्लाह पाक मौत दे दे इनका। हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, मगर मजबूरी चाहे बैठ के आए चाहे दीवार पकड़ के आए, करना है इनका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद खान और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। दिल्ली से चलकर मैं आज लखनऊ आया हूं, तकरीबन 500-600 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मैं यहां इस घर में आया हूं और इस घर की हालत आपको दिखाना चाहता हूं कि जो लोग अपने अपने महलों में बैठ के ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते हैं, एक बार निकलिए अपने महलों से और देखिए कि ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 4 साल से जिसने बाहर नहीं कदम रखा, अपने घर में ही है, बेड पे है, लैट्रिन बाथरूम यही करता है, खाने तक के कभी कभी मोहताजी हो जाती है, बेहद ज़्यादा दर्दनाक स्थिति है। मैं भाई से बात करूँगा, भाई आपका नाम क्या है आप ये बताइए। मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, वसीम भाई कैसे हैं आप ये बताओ पहले तो। जी बहुत तकलीफ है भाई मेरे, कि कैसे ठीक हो, मेरी यही चाहते हैं कि ठीक हो जाएगी इसी तरीके, इतनी में हमें तकलीफ है कि रात में सो नहीं पाते, नींद की गोली का सहारा लेना पड़ता है, दो ढाई बज जाता जब भी सोने में, और करवट ये सब जख्म हो गए मैं तो ऐसी जिंदगी भाई जीने से अच्छा मौसम समझते हैं, ठीक हो गए अल्लाह के तरफ से आपकी मदद से। तो देखो मायूस मायूस नहीं होना, जिसने जिसने आपको तकलीफ दी है वही ठीक करने वाला है, ठीक है ना, तो उसी के हाथ में है, तो मौत तो ये तो ना कायरों वाला काम है, मौत के बारे में मत सोचिए, ठीक है ना। मेरे वजह से मेरी अम्मी और बहन परेशान हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा ही परेशान है। ये देखिए उंगली देख रही है कैसी है, साल भर पहले डॉक्टर ने कहा इसको हम छोड़ेंगे फिर यूं हो जाएंगे। कितने आपका नाम क्या है? मोहम्मद वसीम। वसीम भाई कितने साल हो गया आपको इस कंडीशन में? 4 साल। 4 साल, तो 4 साल से कितनी तकलीफ में हो? 4 साल तकलीफ बढ़ती जा रही, पहले मेरे कम थी तकलीफ, जितना टाइम बीत रहा है उतनी तकलीफ बढ़ती जा रही हमारे। दवाई इलाज बंद हो चुका जी, पहले उंगली तक नहीं हिलती थी, एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत सही हुआ, अब भाई लोग की भी तकलीफ है तो नहीं कर पा रहे, तो तकलीफ मेरी बढ़ती चली जा रही, कैसे ठीक हो, छोटी बहन करती है अब ये पैर मुश्किल से फैलते ही नहीं जल्दी, उनको बिठा दिया जाता पकड़ के, तो बहुत परेशानी में भाई मेरा, मतलब यही सोच रहा है जैसे जैसे ऑपरेशन हो जाए ठीक हो जाए जैसे। वसीम में एक वक्त दौर वो भी चल रहा है आपके पास में कि आपके पास ड्राइवर बदलने तक के पैसे नहीं होते जी, ऐसा टाइम आता है जैसे अबकिल है टाइम कि पैसे नहीं होते हैं कि मंगा नहीं पाते हैं, तो फिर इधर उधर से मदद मांगते हैं बाहर से, कोई दे देता है कोई नहीं भी देता है, क्या क्या कर्जा लेके अभी काम चलाते हैं, यही परेशानी है पैसों की, कोई नहीं देता, कहता कर्जा ले ले, ये बाजू में है रिश्तेदार हैं सगे बड़े अब्बा, लेकिन वो नहीं मदद कर रहे हैं। आपको बताया था बाजू में बैकरी है, ये भी मदद नहीं करता। एक दिन इन लोगों से ना जवाब होगा कि अल्लाह पूछेंगे कि मैंने तुमको जवानी दी थी कहाँ खर्च की, मैंने तुमको दौलत दी थी कहाँ खर्च की, तुम्हारे घर में खाना बन रहा था, तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो रहा था, वो सब सवाल होगा। ऐसे ऐसे लोग जो देख रहे हैं मेरी वीडियो वो ध्यान रखें, एक दिन जब इस दुनिया से जाने का वक्त होगा, जब चले जाओगे तो ये सवाल जरूर होगा कि मैंने आपको जवानी दी थी, मैंने आपको शोहरत दी थी, मैंने आपको दौलत दी थी, वो कहाँ खर्च की। अगर आपने वो सही इस्तेमाल नहीं किया उस चीज़ का तो वो आपके लिए वबा का जरिया बन जाएगी। अभी आपको कितना मतलब आपका ऑपरेशन होना है अभी जी, डॉक्टर ने कितना खर्चा बताया आपको? 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे भाई बता रहे हैं ये, तो उम्मीद है कि 2.5 लाख रुपए लगने के बाद आप ठीक हो जाओ, चल पाओ आप जी। हाँ ऑपरेशन से ये दबी हुई जिंदा छूट जाएगी तो उम्मीद है ठीक होने की। कितने साल हुआ है आपके वसीम? 25 साल। शादी हुई है? जी नहीं। एहसास होता है वसीम के 4 साल से आप घर में पड़े हो, आपने दुनिया क्या है नहीं देखी कब? एहसास भाई एक दो बार गए आधार के लिए तो बाहर का माहौल देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, अफसोस भी होता है कि ठीक होते तो हम भी
मतलब टहलते घूमते या फिर काम करते, नमाज भी पढ़ते थे। जब से एक्सीडेंट हुआ है कुछ नहीं कर पा रहे, पढ़े पढ़ते हैं लेटे लेटे। तो लेटरिंग और ये पेशाब ऐसे यही होता है जी। आप इनकी वालदा हैं जी। कितने परेशानी होती है एक एक जवान बच्चा जो बहुत परेशान बेटा, रात और दिन रो रो के करता, नींद पड़ती नहीं, आंखें दीदा बर्बाद हो गए मोतियाबिंद वक्त पर। इनके वजह से हम ऑपरेशन भी नहीं करवा पा रहे, पेट में लीवर में सूजन, हाथों में सूजन, गैस की बीमारी। देखो मेरी माँ, एक तो हिम्मत नहीं हारना, ठीक है ना, इस हालत में अल्लाह ने रखा है तो पता नहीं क्या बेहतर आई है, क्या वसीम के लिए अच्छा सोचा है, ठीक है ना। आप हम सोचते हैं कि हमारे हक में गलत है, लेकिन पता नहीं क्या बेहतर आई है, क्या अच्छा ही है कि आज वसीम इस कंडीशन में है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना आपको, और हमसे जो मदद होगी इंशाल्लाह हम मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका अकाउंट नंबर भी हम अपने वीडियो में डाल दें, कि जो भी मदद पूरी दुनिया में लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वसीम को अभी रोना नहीं, आपको रोना नहीं है। सबर से काम लेना, सबर वालों के साथ अल्लाह होता है ना। अरे अभी कल बहुत से कहा कि कुरान शरीफ सूरह सीन पढ़ के दम करके दे पानी, बिटिया ने यही बैठ बैठ के पढ़ा, कितनी बार नमाज। अब इनके वजह से हम पाक रह ही नहीं पाते, मेरा भी पेशाब निकल जाता तो हम पढ़ ही नहीं पाते, बस दुआ मांगते। देखो नमाज तो हर हालात में पढ़नी है ना, नमाज तो कोशिश करो के पाक रहे। इतना नहीं हिम्मत पड़ता कि बार बार हम कपड़ा धोएं, कमर से धोएं, नहाएं तब कर, हाथ पैर थरथराते हैं, हम एक जग उठाते तो थरथराने लगते, न ज़्यादा देर बैठ पाते न खड़े हो पाते, बैठे बैठे पैर पर बदलते, खड़े झूक नहीं पाते। एक अफसोस की बात है कि एक बूढ़ी माँ अपने जवान बच्चे का पैंपर बदल लिया, जो पैंपर इस कभी माँ बचपन में बदलती है अपने बच्चे का, लेकिन आज 23, 24, 25 साल की उम्र में ही पैंपर बदल रही है। और माँ है, माँ बदलेगी, माँ का दिल ऐसा ही होता है। मेरी माँ मुँह घुमा लेते हैं, अलग दुख जाता। आप नहीं बदलोगे तो कौन बदलेगा, मर जाएगा ये ऐसे, तो ये ऐसे गल जाएगा, मर जाएगा यहाँ पे। नहीं तो कहने लगते हैं जब इधर देखोगे नहीं, और सब कटा है, ये सब फट गया, ये लगे लगे लड़की से आनी बैठी है वो बेवतन है। चले सब ठीक होगा इंशाल्लाह। अभी कुछ मदद है, हम आपको कुछ पैसा दे रहे हैं ना अपने भाई के इलाज के लिए, उस पैसे से आप पैंपर बदलिए, और इंशाल्लाह आप यकीन कीजिए कि जब से ये लोग वीडियो देखेंगे आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, 2-2.5 लाख इतना रुपया आ जाएगा कि आप अपने बच्चे का इलाज करा सकते हो। ठीक है, अल्लाह की जात से यकीन है ना उस पर, बहुत यकीन है, अल्लाह फरिश्ता भेजे ना। नहीं फरिश्ता, ये कुछ पैसा है, अभी ये 10,000 रुपया है, ठीक है 10,000 रुपये रखिए आप अपने बच्चे की तरफ से, हमारी बहन है इन्होंने दिए 10,000 रुपये, तो आप 10,000 रुपये रखिए, 10,000 के बाद में इंशाल्लाह मैं आपका अकाउंट नंबर डालूंगा अपने वीडियो पे। और मैं कहता हूँ आप सभी लोग से, जो जो मेरी वीडियो देखते हैं इंडिया से बाहर के, ऐसे लोगों की मदद करो मेरे भाई, ये पैसा कहीं नहीं जाएगा। जैसे कुवैत के बादशाह अपनी पूरी माल दौलत शहर हीरे जवरात छोड़ के दुनिया से चले गए, आपको भी जाना है, खाक में मिलना है, मिट्टी में मिलना है, और मिट्टी में मिलने के बाद सवाल होगा आपसे, यही सवाल होगा कि मैंने आपको दौलत दी थी कहाँ खर्च की, मैंने आपको जवानी दी थी कहाँ खर्च की, और फिर एक सिर्फ एक शब्द हुआ हाय अफसोस, अल्लाह मुझे दोबारा भेज दे, मैं पूरा कुछ करूँगा, लेकिन वो वक्त दोबारा नहीं आएगा। आप हिम्मत नहीं हारना इंशाल्लाह, ये वक्त है चला जाएगा, ठीक है ना, पता नहीं क्या बेहतर आई है, सब चीज अल्लाह ही देने वाला है, ऊपर वाले भी यकीन करें। नसीब में लिखा था कि हम जवानी में किया बुढ़ापे में भी कर रहे, अल्लाह की मर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे जो लोग हैं उनको हमेशा प्यार देते रहिए, और ऐसे लोगों की हेल्प करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।